जनरल नॉलेज का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो जीके जीके सुनते हैं ना, जीके का मतलब होता है जो चला आ रहा। जैसे ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, ईसा खान, आप याद है तो बार बार वही आंसर होगा। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, मावलंकर, वो तो बदलेगा नहीं, जनरल नॉलेज। और एक होता है जनरल अवेयरनेस, जन समान सचेतता। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जो चेंजेबल होता है, जो डेली डेली घटना चेंज हो रही है। अभी किसी भी कोई विदेशी भारत आए, वहां के प्रधानमंत्री आए, इस साल के लिए इंपोर्टेंट है, लेकिन आज से 10 साल बाद उनका कोई जरूरत नहीं। जनरल अवेयरनेस जो चेंज हो, डेली चेंज हो। और जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में दोनों मिला हुआ। और साथ में क्या है इसमें, जनरल स्टडी में है हर चीज में सोचना है हाउ एंड व्हाई। इसलिए देखिए आईएएस में सिलेबस है जनरल स्टडी। जैसे मॉनसून आता है ये किसान को भी पता है, जून महीने में आता है सारे लोग जानते हैं। देखिए करेंट इवेंट है, जिस साल भी आएगा पेपर में चलते। लेकिन मानसून बनता कैसे, साइक्लोन कैसे बनता, हाउ और ऐसा क्यों। साइक्लोन तमिलनाडु में हिट नहीं करता है, क्यों? जब क्यों आएगा तो आप गहराई से पढ़िएगा। जनरल स्टडी आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है, जीएससी कर रहे हैं। लेकिन बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एमबीए की तैयारी करते हैं, उनको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस करेंट इवेंट जो डे टू डे चेंजेबल है। लेकिन जो रेलवे पढ़ रहे हैं, एसएससी पढ़ रहे हैं, वो एक एक लाइन जो होता है ना जीके। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप अगर याद कर लिए कि 3287263 स्क्वायर किलोमीटर है तो बदलेगा नहीं। लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअल चीजों को, कोटन इंडस्ट्री बैठाना है तो कहां बैठाएंगे, कोई भी चीज अगर आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पढ़ते कि हमारा किडनी वर्क कैसे करे, और एक बार कि आप उसको रट लिए कि डायलिसिस किडनी का हो जाए, रटना अलग चीज है और कॉन्सेप्चुअली समझना अलग चीज है। जहां पर समझते हुए जनरल स्टडी, तो अगर जीएस आप पढ़ेंगे, इसलिए देखिएगा जैसे हमने बताया मेंस एग्जाम आईएएस का, आईएएस का मेंस एग्जाम में जीएस की गहराई चेक हो रहा है, आपके अंदर कितनी गहराई है। नॉलेज तो सबके अंदर है, बहुत से लोग जो ऑब्जेक्टिव रट करके बैठे